सभा की तरफ से यहाँ पर चार अलग अलग पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो उस वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा कब से इसका ऑनलाइन हो रहा है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या है, पेमेंट कितना मिलेगा, पोस्ट कितने हैं अवेलेबल, उन सभी का मैं सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए, इसी वेबसाइट पर आइएगा। इसका लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस 1, 2, 3, 4, चार तरह के यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए, यहाँ पर पहला नोटिफिकेशन ASO है और दूसरा है जूनियर क्लर्क, तीसरा है यहाँ पर रिपोर्टर और चौथा यहाँ पर लाइब्रेरियन असिस्टेंट का है। यहाँ पर ASO वाला इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको PDF डाउनलोड होगा, जिस तरह से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड होने के बाद आपको पेज ओपन होगा जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो चुका है, इसको बड़ा कर लेता ताकि सभी को दिखाई दे। यहाँ पर लिखा बिहार विधान सचिवालय अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन हेतु जो दिखाया गया 1/24 के अनुसार इस वाले वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन भरने की तिथि जो है यहाँ पर 29/1/2024 से 11 बजे से स्टार्ट होगा, जो आपको ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको 15/2/2024 तक, इसमें परीक्षा शुल्क जो भुगतान करना होगा 17/2/2024 तक इसमें भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया है, आप रीड कर लीजिए। थोड़ा सा चलिए स्क्रॉल करता हूँ मैं, यहाँ पर पोस्ट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर लिखा बिहार विधान सचिवालय में यहाँ पर जो ये पोस्ट का नाम बताया गया, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें सहायक शाखा पदाधिकारी का वेतन जो होगा 44,900 से लेकर 1,42,000 तक होगा, जो नियमानुसार होगा। साथ में यहाँ पर सहायक अवधायक का जो होगा यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 तक होगा। ऑनलाइन के आवेदन जो यहाँ पर डेट देखने को मिल रहा है, इसके अंतर्गत जो भी आते हैं यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसके बारे में, पोस्ट के बारे में, पोस्ट है यहाँ पर कि कौन कौन सी पोस्ट है, किसके लिए है, यानी कि जैसे कौन सा कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट हैं। जनरल के लिए यहाँ पर 0-0 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 4 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 3 और ST के लिए यहाँ पर 2 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जैसे BC1 हो गए, EBC सब, उन सभी के लिए यहाँ पर इतने पोस्ट है, यानी टोटल आपको 50 पोस्ट है यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, इसमें यहाँ पर लिखा है आरक्षण की बात की तो कुल अनुमादन 35% जो आरक्षण जो महिलाओं के लिए यहाँ पर 17 सीट अवेलेबल है। जब आपको क्वालिफिकेशन की बात किया तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाया गया है जो इस तरह से है। तो यहाँ पर आपको था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन सहायक अवधायक के लिए है, जो यहाँ पर पोस्ट आपको दिखाया गया है 4 पोस्ट इसके लिए है। जो विज्ञापन पदों की संख्या बढ़ सकती है घट भी सकती है, सीट के लिए यहाँ पर बात किया गया है। यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ पर अभ्यर्थी की नागरिकता होना चाहिए भारतीय, जो शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए यहाँ पर लिखा गया है। शैक्षिक योग्यता में आपको यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थी की राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा समकक्ष उपाधि होनी चाहिए, यानी कि स्नातक पास होना चाहिए। साथ में यहाँ पर पूरा डिटेल रीड कर लीजिए, यहाँ से फॉर्म भरते समय क्या क्या दिया गया। आपको यहाँ पर आरक्षण की बात किया तो आरक्षण यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, आरक्षण के लिए क्या क्या दिया गया नोटिफिकेशन, वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से देख लीजिएगा। ओके, ये इस तरह से नोटिफिकेशन। उम्र सीमा की बात किया तो उम्र सीमा आपको यहाँ पर 1/8/2023 के अनुसार 21 साल पूरा होना चाहिए और अधिकतम आयु यहाँ पर 37 साल जनरल के लिए, और जो जो कैटेगरी वाइज जाते हैं उनके लिए यहाँ पर 40 साल दिया गया है, जो ST के लिए होंगे SC ST के लिए उनको 42 साल दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर बात किया गया नीचे परीक्षा के सिस्टम क्या होगी। तो परीक्षा के सिस्टम यहाँ पर आपको इस तरह से है, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर आप पूरा रीड कर लीजिएगा। इसे प्रारंभिक परीक्षा होगा, इस स्थिति के सभी वस्तुनिष्ठ एग्जाम्पल होंगे, जैसे इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है। नीचे यहाँ पर रीड कर लीजिए पूरा डिटेल। चलिए, एक और नोटिफिकेशन है, चलिए उसको मैं आपको दिखाता हूँ रीड करके क्या क्या उसमें नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको डेट तो देख ही रहे कब तक है डेट, इसी डेट के अनुसार अगला नोटिफिकेशन। चलिए, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर बैक जाता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से दूसरा नोटिफिकेशन है जूनियर क्लर्क के लिए, इसको क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर ओपन करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ पेज को, और यहाँ पर इसका भी 29 तारीख से स्टार्ट होगा, जो 15-17 तक चलेगा इसका आवेदन। जो आवेदन का इसका भी जो नोटिफिकेशन है इस तरह से दिखाया गया है। जो वेतन की बात की तो 9,900 से लेकर 63,200 तक है यहाँ पर, और यहाँ पर बात किया जाए यहाँ पर कोटी वाइज कितने सीट है, तो यहाँ पर 19 सीट है, जो महिलाओं के लिए 5 सीट है। और यहाँ पर विज्ञापन की शैक्षिक योग्यता बात किया जाए, शैक्षिक योग्यता राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा इंटरमीडिएट
या कोई भी बोर्ड से पास होना चाहिए, किसी भी विषय में, किसी भी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आरक्षण की बात करें, आरक्षण यहाँ पर रीड कर लीजिए, जो पिछले वाला आरक्षण है उसी के अनुसार यहाँ पर नोटिफिकेशन है, लेकिन इसका जो क्वालिफिकेशन है कम है। उम्र सीमा की बात करते हैं 18 साल इसको होना चाहिए 1/8/2023 के अनुसार, जो अधिकतम सीमा 37 साल, और SC ST के लिए 40 साल, और यहाँ पर दिखाया गया 40 के लिए 40 साल, 42 साल SC ST के लिए, और EBC OBC के लिए यहाँ पर 40 दिखाया गया है। तो इस तरह से अपना नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए, इसी तरह से नोटिफिकेशन है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, इसका जैसे ही ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन करने का वीडियो अपलोड कर दो, जिससे घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप पूरा रीड कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन बड़ा है तो मैं पूरा रीड करके नहीं बता पा सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन को आप रीड कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो यही थी अपडेट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिए।